ओम शांति। शिव परमात्मा की पूजा सर्वश्रेष्ठ पूजा है, अव्यभिचारी पूजा है। भारत में ज्योति स्वरूप शिव की पूजा लिंग रूप में होती है, और ऐसा भी समय था इतिहास में जबकि सारे विश्व में ज्योति स्वरूप या ज्योतिर्लिंगम की पूजा होती थी। भारत के इतिहास में तो यह मान्यता है कि प्राचीन भारत के महाराजाएं शिव की प्रतिमा हीरे या सोने की बनाकर पूजते थे। सोमनाथ का मंदिर तो एक उदाहरण है हमारे सामने, जहां कोहिनूर हीरा शिवलिंग के रूप में पूजा जाता था। केवल उसकी तो महिमा नहीं थी, लेकिन साथ साथ सारे मंदिर की भी इतनी महिमा थी। चारों ओर हीरे जवाहरा जड़े हुए थे, और इतिहास बताता है कि मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ का मंदिर 17 बार लूटा और हीरे जवाहरात लूट के ले गया। तो प्राचीन भारत में शिव को इतनी मान्यता दी जाती थी कि केवल लिंग को ही इतना अमूल्य नहीं समझा जाता था, लेकिन जितने भी शिवालय बनाए जाते थे वे भी हीरे जवाहरातों से जुड़े रहते थे। तो वास्तव में देखा जाए शिव परमात्मा की पूजा सर्वश्रेष्ठ पूजा है, क्योंकि परमात्मा एक है और वह सत्य है। वह सत्यम है, शिवम है और सुंदरम है। और जो चीज सत्य है और एक है तो उसका स्वरूप ही एक है, और वही स्वरूप होगा एक जो सभी धर्मों को मान्य हो, क्योंकि परमात्मा सर्व आत्माओं के पिता है। चाहे कोई हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, सिख हो, पारसी हो, यहूदी हो, किसी भी धर्म का हो, वह परमात्मा को याद करता है। और अगर कहा जाए वह शिव को याद करता है या शिव का उपासक है, ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि सभी धर्मों में उसी स्वरूप की मान्यता है। भारत में तो स्थान स्थान पर ज्योति स्वरूप शिव परमात्मा की यादगार ज्योतिर्लिंगम के रूप में तो पाई जाती है, लेकिन भारत के अलावा विदेशों में भी इसी ज्योति स्वरूप की यादगार पाई जाती है। यहाँ तक कि सभी धर्म स्थापकों ने भी ज्योति स्वरूप परमात्मा को याद किया। गुरु नानक ने कहा, एक ओंकार सत नाम कर्ता पुरुष निर्भय निर्वैर अकाल मूरत। ये किसकी महिमा की उसने, उसी ज्योति स्वरूप शिव परमात्मा की। शिव परमात्मा जो अकाल मूरत है, जिसको काल नहीं खा सकता है। देहधारी व्यक्तियों को तो काल खा सकता है, और काल शब्द के दो अर्थ हैं, एक है मृत्यु और दूसरा है समय। तो हम मनुष्य आत्माएं
काल के बंधन में है, अर्थात समय के बंधन में है, और जन्म और मरण के बंधन में है। लेकिन शिव परमात्मा अकाल मूरत है, वह काल के बंधन से परे है। इसी प्रकार वह अजूनी है, अर्थात वह अजन्मा है। अब ये सारी महिमा गुरु नानक ने उस ज्योति स्वरूप शिव परमात्मा की ही तो की। तो जब हम परमात्मा को याद करते हैं, उस ज्योति स्वरूप परमात्मा के प्रतीक चिन्ह शिवलिंग को तो याद करते ही हैं, पर वास्तव में ज्योति स्वरूप को याद करते हैं, जिसको सभी धर्म स्थापकों ने भी याद किया। क्राइस्ट ने कहा, गॉड इज लाइट, लीड मी दाई काइंडली लाइट। स्वयं को गॉड का बच्चा कहा और परमात्मा को पिता कहा। गुरु नानक ने स्वयं को दास रूप में स्वीकार किया और उस परम ज्योति को निरंकार रूप में याद किया। इसी प्रकार मोहम्मद ने उसे नूरे इलाही या रूहानी रूह के रूप में याद किया और खुद को उनका पैगंबर कहा। तो पैगंबर अवश्य उस पिता परमात्मा की ही तो याद दिलाएगा। तो सभी धर्म स्थापकों ने एक की याद दिलाई। महावीर और गौतम बुद्ध, उन्होंने भी उस परमात्मा की याद दिलाई। हालांकि उन्होंने एक परमात्मा है ये व्याख्या नहीं की, लेकिन जब भी महात्मा बुद्ध और महावीर के चित्रों को देखते हैं तो उनको भी तपस्वी स्वरूप दिखाया गया है। तो किसका ध्यान किया होगा उन्होंने? उसी ज्योति स्वरूप शिव परमात्मा का ही ध्यान किया है। जितने भी मंदिर हैं, जहाँ भी पूजा होती है, जो पवित्र स्थल है, वहाँ ज्योति अवश्य प्रज्वलित की जाती है। तो परमात्मा का की याद ज्योति स्वरूप के रूप में हम सब मनुष्य आत्माएं करते हैं। मोसेस, जिसने आदि में धर्म स्थापन किए, उस मोसेस को भी सिनाई पर्वत पर ज्योति का दर्शन हुआ, जिसने उसे 10 कमांडमेंट्स या 10 आदेश दिए मानव को पालन करने के लिए। इसी प्रकार पारसी लोग भी उस ज्योति स्वरूप को याद करते हैं, औरा मजडा कहकर के याद करते हैं। तो वास्तव में परमात्मा एक है और उनके ही महावाक्य हैं कि सर्व धर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज। ये देह और देह के धर्मों को अब भूलो और मेरी शरण में आओ। तो किसकी शरण में हम सबको जाना है? एक ज्योति स्वरूप शिव परमात्मा की शरण में जाना है। और अगर हम सब देह के धर्मों को भूलकर उस एक शिव पिता की शरण में जाएंगे तो संसार में जो भी आज धर्म भेद, जाति भेद, भाषा भेद, रंग भेद है, वे सब समाप्त हो जाएंगे और दुनिया में फिर से सुख और शांति बहाल हो जाएगी। तो जब हम परमात्मा को याद करते हैं, उसे ज्योति स्वरूप सर्व आत्माओं का पिता रूप में तो याद करते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो सर्वोच्च है। केवल पिता ही नहीं है, वह माँ भी है, बंधु भी है, सखा भी है, साजन भी है, सतगुरु भी है,
परम शिक्षक भी है। तो उसे शिव परमात्मा की ही महिमा है, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। तो उस ज्योति स्वरूप परमात्मा से सर्व संबंध हम आत्माओं को जोड़ने हैं, तब ही हमारी भक्ति, हमारी ईश्वर प्रति याद, ईश्वर से सच्ची लगन और अनुभूति हमें हो सकती है। तो उसके लिए उनसे सर्व संबंध कैसे जोड़े, यह भी एक अलग विषय है, क्योंकि जितना ही वो सर्वोच्च है, सर्वोपरि है, उनसे संबंध जोड़ने से प्राप्ति भी सर्वोच्च होती है। अब सर्वोच्च के साथ साथ वो सबसे न्यारा भी है। इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं वे सब सापेक्ष गुण के साथ हैं, रिलेटिव हैं। सुख के साथ दुख जुड़ा हुआ है, कर्म के साथ फल जुड़ा हुआ है, दिन के साथ रात भी जुड़ी हुई है, स्वर्ग के साथ नरक जुड़ा हुआ है, लेकिन परमात्मा इन सापेक्ष गुणों से न्यारा है। जन्म मरण, कर्म फल, पाप पुण्य, सुख दुख, हानि लाभ, जय पराजय, निंदा स्तुति, मान अपमान, दिन रात, स्वर्ग नरक, इन सब से वो न्यारा है। इसलिए परमात्मा की महिमा में आता है, तुम्हारी गत मत तुम ही जानो। ईश्वर की गत मत सबसे न्यारी है, क्योंकि शिव परमात्मा सबसे न्यारा है, उनकी पूजा भी सबसे निराली है, उनका स्वरूप भी सबसे निराला है। तो जब हम शिव परमात्मा शब्द कहते हैं, हमारा अभिप्राय शंकर से नहीं है। कई समझते हैं कि जब हम शिव शब्द कहते हैं, शायद हम शंकर के प्रति हम संकेत कर रहे हैं। वास्तव में शंकर को भी एक देवता माना गया है। शंकर के लिए तो यहां तक कहा गया है कि वह सदा तपस्या करता है। अब किसकी तपस्या करता होगा वह, उनसे ऊंचा कौन है? शंकर को तो महादेव कहते हैं, तो जरूर महादेव से भी कोई ऊंचा है, जिसे ही देवों का देव कहते हैं। वो देवों का देव परम आत्मा शंकर से भी ऊंचा है, जो निराकार है, ज्योति स्वरूप है, जिसका शंकर भी ध्यान करता है। शिव ही है जो कल्याणकारी है, शंकर को तो संहारकारी कहते हैं। अगर कोई शंकर की तपस्या भंग कर दे और शंकर जी अपना नेत्र खोल दे, तो जिस पर उसकी दृष्टि पड़े उसका संहार हो जाए, ये कहा गया है। इससे सिद्ध है कि शंकर को कल्याणकारी नहीं कहेंगे, शंकर को विनाशकारी कहेंगे, उनको देवता कहेंगे, उनको रचना कहेंगे, जबकि शिव निराकार ज्योति स्वरूप रचयिता है। ब्रह्मा, विष्णु और शंकर के भी रचयिता, देवों के देव है, सभी देवताओं के भी पूज्य है। इसलिए शिव परमात्मा सबसे न्यारा है, और जितना ही वो न्यारा है उतना ही वो सबका प्यारा है, क्योंकि जो न्यारी चीज होती है वही सबकी प्यारी भी होती है। आज कई बार लोग प्यारा बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्यारा बनने के लिए न्यारा बनना अति आवश्यक है। जब तक न्यारे नहीं बनेंगे तब तक प्यारे भी नहीं बन सकते। और परमात्मा इसलिए सबका प्यारा है क्योंकि वो सबसे न्यारा है, वह जन्म मरण के चक्कर से परे है,
इसलिए परमात्मा की कोई देह नहीं है। किसी भी भेद हरि को परमात्मा नहीं कहा जा सकता है, चाहे वह कितना भी ऊंचा क्यों न हो जाए, वह महात्मा बन सकता है, पुण्य आत्मा बन सकता है, धर्मात्मा बन सकता है, यहां तक कि देवात्मा भी बन सकता है, लेकिन परमात्मा नहीं बन सकता। परमात्मा तो केवल एक ही है। कई समझते हैं कि आत्मा ही परमात्मा बन जाती है। वास्तव में आत्मा का कार्य अलग है। आत्मा एक एक्टर के रूप में है जो इस संसार रूपी रंगमंच पर आकर देह रूपी चोला धारण कर कर्म करती है, पाट बजाती है। जिस प्रकार एक एक्टर किसी रंगमंच पर अपने अभिनय अनुसार, पात्र अनुसार वस्त्र धारण करता है, वैसे ही ये शरीर भी आत्मा रूपी अभिनेता का वस्त्र है। लेकिन परमात्मा तो कभी भी गर्भ से जन्म नहीं लेते। हम आत्माएं तो गर्भ से जन्म लेती हैं। कर्मों अनुसार हमें माँ बाप मिलते हैं, कर्मों अनुसार हमें वातावरण मिलता है, संबंध मिलते हैं, संस्कार मिलते हैं, लेकिन परमात्मा जन्म मरण कर्म फल इन सब से न्यारा है। तो जब हम परमात्मा को उस न्यारे और प्यारे स्वरूप में अनुभव करेंगे, तब हमारी भक्ति शिव के प्रति सार्थक होगी। इसी प्रकार जितना ही वो न्यारा और प्यारा है, उतना ही वो सर्व का ज्ञाता भी है। कोई भी देहधारी व्यक्ति सर्व का ज्ञाता नहीं बन सकता। उसकी जानकारी इतनी सीमित होती है कि कभी कभी तो वह वर्तमान में भी अनभिज्ञ हो जाता है। लेकिन परमात्मा शिव त्रिकालदर्शी है, सर्वज्ञ है, तीनों कालों का, तीनों लोकों का उनके पास ज्ञान है। हम आत्माओं के आदि, मध्य और अंत को वो जानता है। इसलिए परमात्मा को जाने जानन हार भी कहते हैं। परमात्मा से हम कोई भी बात छिपा नहीं सकते, अर्थात शिव सब कुछ जानता है। ये जब हम आत्माएं समझ लेगी तो हम उनको सही रूप में पहचान सकेंगे। वह सब कुछ देखता है, सब कुछ जानता है और उसी अनुसार हमें कर्मों का फल भी देता है। तो जितना ही वो ज्ञाता है, उस रूप से अगर हम उन्हें पहचानेंगे, तब हम उनकी सही शक्ति को माप सकेंगे। लेकिन जितना ही वो ज्ञाता है, उतना ही वह दाता भी है। कहा जाता है, शिव के भंडारे भरपूर, काल कंटक दूर। जो शिव को पहचानता है, उसके भंडारे सदा भरपूर रहते हैं और काल कंटक दूर हो जाते हैं। वो निर्विघ्न हो जाता है, माला माल हो जाता है, भरपूर हो जाता है। इसलिए शिव परमात्मा को जानने से हमारी जीवन सफल हो जाती है। अब उस शिव की जितनी महिमा करे उतनी कम, वो सदा शिव है। कोई भी मनुष्य आत्मा सदा शिव नहीं कहला सकती है, क्योंकि परमात्मा शिव सर्व आत्माओं का कल्याणकारी है और सदा ही कल्याणकारी है। इसलिए वो सदा ही शिव है। हम मनुष्य आत्माएं तो कभी कभी अकल्याण भी कर लेती है, लेकिन परमात्मा कभी भी अकल्याण नहीं करते। इसलिए अब आवश्यकता है आत्मा को, उस परम आत्मा शिव को पहचानने की, और शिव को सही रूप से पहचान कर उनसे सर्व संबंध जोड़ने की, और तब हमारी ये जीवन भी सफल होगी। तो हमारे जन्म जन्म सफल हो जाएंगे उस शिव को पहचान कर। क्योंकि वर्तमान
के आधार पर ही हमारा भविष्य बनता है और वर्तमान पूर्व के आधार पर बना है। अगर हम इस समय शिव के भक्त हैं तो ये भी हमारे अच्छे कर्म हैं जो हमारे इष्ट शिव बने हैं, और शिव की याद से आत्मा संपन्न हो सकती है, परंतु ये तब होगा जब शिव के स्वरूप को हम सही रूप से पहचाने और सही रूप से उनको याद करें, उनसे सच्चा संबंध जोड़कर। अब कैसे परमात्मा हम आत्माओं को प्राप्ति कराते हैं, किस प्रकार आते हैं, और शिवरात्रि पर जो कुछ भी हम करते हैं उसका वास्तविक रहस्य क्या है, इन सबको भी जानने की आवश्यकता है। वरना शिव की पूजा तो करते हैं, परंतु शिव से जो प्राप्ति होनी चाहिए वो नहीं होती, क्योंकि शिव से संबंध तो जोड़ा ही नहीं। जैसे देहधारी व्यक्ति से संबंध जोड़ने से प्राप्ति होती है, इसी प्रकार शिव से संबंध जोड़ने से जीवन में शांति, प्रेम, सुख, खुशी, आनंद, शक्ति, ये सब अनुभव होता है, क्योंकि शिव परमात्मा इन सभी गुणों का सागर है। तो जो जो शिवरात्रि नजदीक आती जाती, त्यों त्यों शिव की याद मन में समाती जाती है। और इस बार जब हम शिवरात्रि मनाएं तो उसी अर्थ के साथ मनाएं, शिव के साथ संबंध जोड़कर मनाएं। और शिव के तो हमें यही संदेश है, यही हमारे प्रति आदेश है कि हे आत्मा, अब सब संबंध मेरे से जोड़ो, मैं ही तुम्हारा सर्वस्व हूँ। तो उस सर्वस्व को हमें पहचानना है, उनकी सच्ची लगन में मग्न रहना है और उनसे सर्व प्राप्ति करनी है। परंतु ये कोई भाग्यशाली आत्मा ही कर सकती है। जिनके जीवन में ये ज्ञान होगा, समझ होगी और कर्मों को सुधारने का लक्ष्य होगा, वही अपने जीवन को इस प्रकार सार्थक बना सकता है शिव से संबंध जोड़कर। इसलिए हम यही अपेक्षा करेंगे आप सबसे कि उस शिव को पहचान कर और सही अर्थ में उनकी पूजा करें, उनसे योग लगाएं, तो ये जीवन सफल और भविष्य भी सफल होगा। ओम शांति।